डॉक्टर जोगेंद्र चौधरी को वॉइस ऑफ एमपी दिल से सलाम करता है। 27 साल के जोगेंद्र चौधरी नीमच जिले के छातला गांव के मूल निवासी थे। उनकी मृत्यु दिल्ली में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते हुए हुई। उनकी मृत्यु का जितना अफसोस दिल्ली के लोगों में है, उतना ही अफसोस नीमच के लोगों में भी देखा जा रहा है। डॉक्टर चौधरी ने निश्चित तौर पर देश सेवा का जो काम किया है, उसके लिए शब्द भी कम पड़ते हैं। डॉक्टर चौधरी की कम उम्र में कोरोना से अकाल मौत के बाद नीमच के IMA ने भी उनकी श्रद्धांजलि दी है। कोरोना वॉरियर डॉक्टर चौधरी की मौत को लेकर सुनिए क्या बोले अब नीमच के नेता। कोरोना जैसी महामारी के चलते देश में कई लोग इस बीमारी के कारण चपेट में आ गए और कई स्वर्गवासी भी हो गए, परंतु हमें गर्व है हमारे डॉक्टरों को के ऊपर, हमारे दूसरे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमारे जो पुलिस कर्मचारी हैं, इन सब के कोरोना का युद्ध जो लड़ रहे हैं, असल में यही योद्धा हैं, यही हीरो हैं। हमारे अंचल के ही डॉक्टर का अभी कुछ समय पहले स्वर्गवास हो गया, बहुत कम उम्र के थे और वो भी लगातार अपनी सेवाएँ कोरोना के उसमें दे रहे थे। हमें बड़ा दुख है इस बात का कि वे इतनी कम उम्र में स्वर्गवासी हो गए। निश्चित रूप से शहीद उनको का दर्जा उनको दिया जाना चाहिए और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके परिवारजनों को जो भी वित्तीय सहायता हो सके वो देना चाहिए। देखिए, देश के अधिकतर डॉक्टर लोग इस बीमारी से लड़ने में मदद कर रहे हैं, परंतु थोड़ा सा हमको यह सोचने में भी आता है और मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से भी यह मालूम भी होता है कि उनको अभी भी बराबर सामग्री, बचाव की सामग्री जो डॉक्टरों को होना चाहिए, अस्पताल में होना चाहिए, वो शायद नहीं मिल पा रही है। एक ये भी कारण है कि डॉक्टर लोग संक्रमित होते हो रहे हैं, तो हो सकता है कि वो इस सुविधा के अभाव में कोरोना के चपेट में आ गए और स्वर्गवासी हो गए। तो निश्चित ही उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और मैं सरकार से मांग करता हूं कि उन्हें कम से कम उनके परिवारजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाना चाहिए। का नीमच ही नहीं, पूरे देशवासियों को दुख है कि इस अल्प आयु में उसने कोरोना जैसी गंभीर बीमारी की दिल्ली जैसे शहर में सेवा करते हुए अपना जीवन का बलिदान दिया है। ऐसे व्यक्ति को दिल्ली सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए तो दिया जाना चाहिए और मध्य प्रदेश सरकार को भी 1 करोड़ रुपए दिया जाना चाहिए। जोगेंद्र चौधरी इस जिले की शान है और उसको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। आज इस एक अगर ऐसा युवा डॉक्टर काल के गाल में समा जाता है तो हम जिलेवासी और हम सभी समाज सेवियों का फर्ज होता है, दिल्ली सरकार का भी फर्ज बनता है, मध्य प्रदेश सरकार का भी फर्ज बनता है कि ऐसे होनहार युवा डॉक्टर की मृत्यु पर उसे शहीद का दर्जा दिया जाए और 1 करोड़ रुपए उसे राशि उसके परिवार को दी जानी चाहिए। बिना हथियार के लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। जब कोरोना की जंग डॉक्टर लड़ रहे हैं तो उनको उनके औजार चाहिए, PPE किट चाहिए, परंतु उनको ये सब उपलब्ध नहीं कराई, जिसके कारण डॉक्टर जोगेंद्र संक्रमित हुए और उनकी अल्पायु में मृत्यु हुई। सर्वप्रथम तो मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगा कि ये कोरोना जो की जो महामारी है और इस महामारी से पूरा देश और समाज प्रभावित है। 27 वर्ष की उम्र में कोरोना से लड़ाई लड़ते हुए, हजारों लोगों की सेवा करते हुए अपना बलिदान देना, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से हमारे बहुत बड़ा आघात है। लेकिन जैसा कि समाज ने और सरकार ने हमारे डॉक्टर्स, हमारे जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, सेना के जवान हैं, जो भी इस कोरोना से लड़ने में लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता के जीवन को बचाने का एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का इस तरह से चले जाना बहुत बड़ी त्रासदी है। मैं, हमारी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उन सब से आग्रह करूंगा कि वे कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले योद्धाओं को मरणोपरांत सम्मानित करें, उनके परिजनों को एक सैनिक के समान, जब सैनिक शहीद होता है तो 1 करोड़ की राशि उनको दी जाती है, ऐसे ही
कोरोना से लड़ाई लड़ते हुए जो भी हमारे डॉक्टर योद्धा जो शहीद हो रहे हैं, पुलिसकर्मी शहीद हो रहे हैं, उन सबको भी 1 करोड़ की राशि दी जानी चाहिए। और मेरा विश्वास है कि केंद्र की मोदी जी की सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार संवेदनशील है और काफ़ी गंभीर है और वे निश्चित रूप से इस पर विचार करके निर्णय लेंगे। और सबसे ज़्यादा दुख हमको इस बात का है कि 27 वर्षीय डॉक्टर जो दिल्ली में कोरोना की लड़ाई लड़ रहे थे, प्रत्येक जनता की मरीजों की जान बचाने में जुटे थे, वे हमारे जावद विधानसभा क्षेत्र के सिंगोली के समीप जो झातला कस्बा है वहाँ के निवासी थे। यह सुनकर हमें गर्व भी है, गर्व इस बात का है कि हमारे अंचल का एक 27 वर्ष का नौजवान डॉक्टर इस दिशा में लड़ाई लड़ते हुए स्वयं पराजित हो गया, स्वयं हार गया। मौत से तो कोई पार नहीं पा सकता और देवलोक चले गए, तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और भी जो लोग हमारे इस लड़ाई में, कोरोना से लड़ाई में जुटे हैं, लगे हैं, मैं आम आदमी से, आम जनता से, देशवासियों से सबसे यही अपील करूँगा कि ऐसे योद्धाओं का भरपूर सम्मान करें, उनको सहयोग करें और उनके हर निर्देश को माने, स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखने में अपना भी योगदान दें। आज हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।